रविवार मस्ती का दिन है क्या? चीनू, मीनू, चलो उठो, जल्दी करो, हमें विद्यालय जाना है। बस ऐसा मत करो, आज रविवार है, रविवार को विद्यालय बंद रहता है। मीनू, आज तुम्हारा विद्यालय नहीं है। रविवार क्या होता है? रविवार भी सप्ताह का एक दिन होता है। सप्ताह? हाँ, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। बस रविवार सप्ताह का पहला दिन होता है। तो रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार। सोमवार? अच्छा, बस अब तुम मेरे बाद बोलो, मंगलवार। मंगलवार? बुधवार। बुधवार? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार? शुक्रवार। शुक्रवार? शनिवार। शनिवार? और उसके बाद रविवार, इसलिए रविवार सप्ताह का पहला दिन और शनिवार सप्ताह का आखिरी दिन है। अच्छा, अब पहले मुझे सारे दिन बोलने दो। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ओ बस, ये तो मजेदार है। अब तुम सप्ताह के 7 दिन को जान गए हो। चीनू, यहाँ क्या लिखा है? यह जनवरी है, यह साल का पहला महीना है। ओ बस, साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी पहला महीना है। जनवरी? हाँ, 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस होता है। फिर आता है फरवरी। फरवरी? उसके बाद मार्च। मार्च के महीने में बसंत का मौसम आता है और यह समय होली का त्योहार मनाने का होता है। ओह, होली का आनंद! कितना रंग बिरंगा त्योहार होता है होली। मुझे भी होली पसंद है। मार्च के बाद अप्रैल आता है। अप्रैल? फिर आता है मई और जून। ये बहुत गर्म महीने होते हैं, लेकिन इन महीनों में भी बहुत मजा आता है। हमारा विद्यालय गर्मियों की छुट्टियों के कारण बंद रहता है। मई और जून? फिर आता है जुलाई और अगस्त। हम 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ओह, मैं भी तब पतंग उड़ाता हूँ। अगस्त के बाद सितंबर आता है। सितंबर? हाँ, बस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है। हम अपने अध्यापकों को बधाई देते हैं और हमें शिक्षा देने के लिए धन्यवाद देते हैं। उसके बाद आता है अक्टूबर और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। मैं महात्मा गांधी के बारे में जानता हूँ। हम
उन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं। यह ठीक है बस, तुम होशियार होती जा रही हो। धन्यवाद मीनू, मैं तुमसे और चीनू से ही तो सीखता हूँ। अच्छा अब बताओ कि अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है? नवंबर आता है और 14 नवंबर को बाल दिवस होता है। इस दिन चाचा नेहरू का जन्मदिन होता है। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। ईद और दिवाली अक्सर नवंबर में आते हैं। नवंबर फिर आता है आखिरी महीना दिसंबर। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। दिसंबर के बाद फिर से जनवरी आ जाती है और नया साल शुरू हो जाता है। ओह, फिर से जनवरी। मैं जानता हूँ जनवरी में 31 दिन होते हैं, लेकिन मीनू फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं? बस मैं तुम्हें बताती हूँ। फरवरी बहुत विशेष महीना होता है। कुछ महीने 30 दिन के और कुछ 31 दिन के होते हैं। फरवरी में 28 दिन तथा किसी साल 29 दिन भी होते हैं। ओह मीनू, मैं परेशान हूँ। मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा महीना 30 दिनों का और कौन सा 31 दिनों का होता है? सुनो बस, मेरी ओर देखो। मीनू बचाओ, चीनू ने अपनी मुट्ठी क्यों बंद की है? बस वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा, वह तुम्हें कुछ सिखा रहा है। इधर देखो बस, अब सिर्फ सुनो। मैं तुम्हें कुछ महीनों के नाम क्रम से बताता हूँ। तुम मेरी उंगलियों की तरफ भी देखो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जो उंगलियों की ऊंचाई है वह 31 दिनों का महीना है। बाकी निचला हिस्सा या बीच का हिस्सा 30 दिनों का होता है। ओह, ये बहुत आसान है चीनू। पर फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन 4 साल बाद 29 दिन होते हैं। जैसे 2008 में 29 दिन थे, अब 2012 में फिर से 29 दिन होंगे। ओह, फरवरी बहुत विशेष महीना है। क्या मैं इसे एक बार और कर सकता हूँ? चीनू, पहले तुम अपनी मुट्ठी बंद करो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा दोस्तों, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में 31 दिन होते हैं और अप्रैल, जून, सितंबर
और नवंबर में 30 दिन होते हैं और फरवरी विशेष महीना होता है। फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन 4 साल बाद 29 दिन होते हैं। बहुत अच्छा बस। दोस्तों, अब तुम यह खेल क्यों नहीं खेलते? पहले अपनी मुट्ठी बंद करो। अब उंगलियों के ऊपर और नीचे छुओ और कहना शुरू करो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओ, और तुमने भी यह कर दिखाया। क्या तुम खाली स्थान भरने में तितली की मदद करोगे? तुम्हें उत्तर ऊंचे स्वर में देने होंगे। रविवार के बाद आता है। सोमवार रविवार के बाद आता है। शनिवार के बाद आता है। शनिवार शुक्रवार के बाद आता है। मंगलवार से पहले आता है। मंगलवार बुधवार से पहले आता है। बुधवार के बाद आता है। बृहस्पतिवार बुधवार के बाद आता है। सोमवार के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार होता है। अप्रैल के बाद आता है। अप्रैल मार्च के बाद आता है। अक्टूबर से पहले आता है। सितंबर अक्टूबर
सबसे पहले आता है। साल का पहला महीना है। जनवरी साल का पहला महीना है। साल का सबसे छोटा महीना है। फरवरी साल का सबसे छोटा महीना है। सोमवार रविवार के बाद आता है। शनिवार शुक्रवार के बाद आता है। मंगलवार बुधवार से पहले आता है। बृहस्पतिवार बुधवार के बाद आता है। सोमवार के दो दिन बाद बृहस्पतिवार होता है। अप्रैल मार्च के बाद आता है। सितंबर अक्टूबर से पहले आता है। जनवरी साल का पहला महीना है। फरवरी साल का सबसे छोटा महीना है। क्या तुम उत्तर खोजने में खरगोश की मदद करोगे? मार्च और अप्रैल में कुल कितने दिन होते हैं? इकतीस दिन जमा तीस दिन। इकतीस जमा तीस बराबर इकसठ। इकसठ दिन। जुलाई और अगस्त में कुल कितने दिन होते हैं? इकतीस दिन जमा इकतीस दिन। इकतीस जमा इकतीस बराबर बासठ। बासठ दिन। दिसंबर में नवंबर से कितने अधिक दिन होते हैं? इकतीस दिन घटा तीस दिन। इकतीस में से तीस निकाले तो बचा एक। एक दिन।
तुम जहाँ रहते हो वहाँ गर्मी के महीने कौन से हैं? अप्रैल, मई और जून। तुम जहाँ रहते हो वहाँ सबसे गर्म महीना कौन सा है? अप्रैल, मई या जून? जहाँ तुम रहते हो वहाँ सबसे ठंडा महीना कौन सा है? दिसंबर, जनवरी या फरवरी? तुम जहाँ रहते हो वहाँ किस महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है? जून, जुलाई या अगस्त?